और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। बीजेपी के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में चुनाव प्रत्याशियों के बीच उनकी डिमांड है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही संभाल रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और कैमूर जिले और रोहतास जिले में चुनावी रैलियां की। वहीं आज उनकी जनसभाएं बिहार में होनी है। 6 दिनों में कुल 8 चुनावी रैली योगी आदित्यनाथ बिहार में करेंगे। दरअसल बिहार में योगी आदित्यनाथ के स्टार प्रचारक बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह गोरखनाथ मंदिर का महंत होना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मठ के तमाम अनुयायी बिहार में ही रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उनका असर पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। साथ ही अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना था और उनके मुख्यमंत्री काल की एक बड़ी उपलब्धि है और यही वजह है कि वो जिस चुनाव में जाते हैं राम मंदिर का जिक्र भी जरूर करते हैं। जनता इस बार बीजेपी पर चुनाव में कितना भरोसा करती, इसका नतीजा 10 नवंबर को सबके सामने होगा। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।